गरीबी शब्द तो हर किसी ने सुना होगा, लेकिन एक लड़का महज 10 साल के उम्र में गरीबी के हर पड़ाव से गुजर चुका था। क्योंकि जिस उम्र में बच्चे खिलौने के साथ लगे रहते हैं और अपने माँ बाप का स्नेह पाते हैं, उस उम्र में यशस्वी ने घर तो क्या, माँ बाप तक को छोड़ दिया था और निकल गए थे अपने घर से सैकड़ों मील दूर अपने मंजिल के तलाश में। और ये रास्ता उनके लिए ऐसा था कि मानो कि पूरे रास्ते में सिर्फ कांटा ही भरा हुआ हो। लेकिन कांटों से भरा रास्ता होने के बावजूद भी वो कभी डगमगाए नहीं, बल्कि ठोकरे खाते रहे और चलते रहे। और उसके उसी अविश्वसनीय अथक परिश्रम का परिणाम है कि आज यशस्वी के यश की गुणगान पूरी दुनिया कर रही है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अर्जुन शर्मा की एक स्पेशल एपिसोड, कहानी इंडियाज बिगेस्ट फाइटर यशस्वी जायसवाल की। 28 फरवरी 2001 को यूपी के भदोही जिले में एक गरीब घर में एक लड़के का जन्म होता है, जिसका नाम रखा जाता है यशस्वी जायसवाल। यशस्वी अपने 6 भाई बहनों में से 4 नंबर पर थे और ये बचपन से ही गलियों में क्रिकेट खेला करते थे। लेकिन बीते वक्त के साथ यशस्वी ने क्रिकेट को अपना लक्ष्य बनाने का फैसला किया, लेकिन गली क्रिकेट को खेलकर इस लक्ष्य को पाना असंभव था, इसलिए वो मुंबई जाने का फैसला किया। लेकिन उनके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि मुंबई जैसे बड़े शहर में उनके रहने खाने का बंदोबस्त कर सके, पर यशस्वी जायसवाल के लिए ये बात अच्छी थी कि उनके चाचा जी मुंबई में ही रहते थे। उनके पिता ने जब यशस्वी के बारे में चाचा जी से बात की तो पता चला कि चाचा जी का भी रहने का कोई ठौर ठिकाना नहीं है, वो भी जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर रहे हैं। लेकिन उनके चाचा जी ने एक डेयरी वाले के बारे में बताया जहाँ यशस्वी काम के साथ साथ वहाँ रात में रह भी सकते थे। अब यशस्वी बिना कुछ सोचे समझे ही मुंबई पहुंचकर कुछ दिनों तक डेयरी वाले के पास रहे। वहाँ दिन में प्रैक्टिस करते और बाकी समय में काम करके अपना खर्चा निकालते। लेकिन यशस्वी अब क्रिकेट खेलने में ज्यादा समय देने लगे थे, जिससे अब उसको डेयरी में काम करने का बहुत कम ही समय मिल पाता था। और यही कारण था कि डेयरी वाले ने एक बहाना बनाकर उनको डेयरी से बाहर कर दिया। ये बात यशस्वी ने किसी को भी नहीं बताई, जबकि वो उस वक्त मात्र 11 साल के ही थे। जैसे ही डेयरी के मालिक ने उनको निकाला, वैसे ही उन्होंने अपना सारा सामान उठाया और आजाद मैदान की तरफ चल दिए, जहाँ जाकर इमरान से उन्होंने मदद मांगी, जिस पर उसको उसी मैदान के एक टेंट में रहने का परमिशन मिल गया। अगले 3 सालों तक यशस्वी ने बिना बिजली पानी वाले टेंट में रातें गुजारी और साथ में खाना बनाने में भी मदद करते, जिससे उसको 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी। यशस्वी को मुंबई में रहने के लिए घर से 1500 रुपये भेजे जाते थे, जो कि इतने बड़े शहर में रहने के लिए काफी नहीं था, इसलिए वो शाम में पानी पूरी की दुकान में काम करते, मैच में अंपायरिंग करते और खोई हुई गेंद को ढूंढने का काम करते, जिससे उसको कुछ पैसे भी मिल जाते थे और जैसे तैसे करके उन्होंने अपना गुजारा किया। यशस्वी मैच शुरू होने से पहले भगवान से यही प्रार्थना करते कि भगवान मैन ऑफ द मैच मुझे ही देना, क्योंकि जो मैन ऑफ द मैच बनते थे उनको खाना फ्री में मिलता था और साथ में कुछ पैसे भी दिए जाते थे। इनके जीवन में तमाम मुसीबतें आई, लेकिन कभी भी इन्होंने उन पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि हमेशा अपने ध्यान को अपने लक्ष्य पर रखा। और उनका एक ही लक्ष्य था, भारतीय टीम के लिए क्रिकेट खेलना। और इतना कुछ करने के बाद जब यशस्वी रात को सोने के लिए जाते, उनको आजाद मैदान से वानखेड़े स्टेडियम की लाइट दिखाई देती थी, जो कि उनको अपना सपना साकार करने के लिए काफी मोटिवेट करती थी। उस लाइट को देखकर यशस्वी यही सोचते थे कि मैं भी एक दिन अपने देश के लिए उस स्टेडियम में मैच खेलूंगा। यशस्वी ने 3 सालों तक बहुत ही स्ट्रगल किया, लेकिन एक दिन वक्त ने अचानक ही करवट लिया और उनके सपने को साकार करने वाला मसीहा मिल गया। क्योंकि एक दिन मैच के दौरान यशस्वी को खेलते हुए जब ज्वाला सिंह ने देखा, तो तभी ही उन्होंने निश्चय कर लिया कि वो यशस्वी जायसवाल को अपना शिष्य बनाएंगे, क्योंकि उनके उम्दा खेल ने कोच ज्वाला सिंह के दिलों को पूरी तरह से जीत लिया था। अब कोच ज्वाला सिंह उनके बारे में पता लगाना शुरू किया, तब उन्हें लोगों द्वारा पता चला कि यह बच्चा इसी ग्राउंड में एक टेंट में सोता है, जिस पर ज्वाला सिंह को काफी तरस आया और उसी वक्त उसको अपने घर लेकर चले गए और उसको खुद ही कोचिंग देना स्टार्ट कर दिया। यह यशस्वी के जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग प्वाइंट था, क्योंकि अब उनका स्ट्रगल खत्म होने वाला था, क्योंकि एक मैच के दौरान यशस्वी ने 319 रन बनाए और 13 विकेट भी झटके और उसके उसी आकर्षक पारी ने सबके ध्यान को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। और उनके अंदर टैलेंट तो कूट कूट कर भरा ही था, जो कि अब मैच दर मैच देखने को मिल रहा था। अब कोच ज्वाला सिंह का एक साहसी कदम एक बच्चे का जिंदगी बदल रहा था और उनके उन्हीं शानदार प्रदर्शन का परिणाम था कि अब उनका सिलेक्शन मुंबई के अंडर-19 टीम में हो गया। यशस्वी लगातार अपने खेल को निखार रहे थे और लगातार उनके बेहतरीन खेल उनको आगे बढ़ने में काफी मदद कर रहा था। अब उनको टीम इंडिया के अंडर-19 टीम में भी चुन लिया गया और 2018 अंडर-19 एशिया कप में उन्होंने पूरा तहलका ही मचा कर दिया, क्योंकि उसमें वो 318 रन बनाकर उस टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोरर रहे और उसके उसी प्रदर्शन के कारण उसको मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया। और लगातार इनके बेहतरीन प्रदर्शन के कारण ही इनको अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए भी चुन लिया गया और वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में भी इन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए और सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ एक शतक भी लगाया। अब यशस्वी किसी भी परिचय के मोहताज नहीं थे और उनके इसी परफॉर्मेंस को देखते हुए IPL 2020 में राजस्थान रॉयल्स ने उसको 2.4 करोड़ में अपनी टीम में शामिल कर लिया। वैसे IPL 2020 में तो वो कुछ ज्यादा खास नहीं कर पाए, लेकिन जैसे ही उसको IPL 2021 और 22 में मौका मिला, तो उन्होंने इस मौके को अपने हाथ से बिल्कुल भी जाने नहीं दिया, क्योंकि IPL में भी उन्होंने अपने परफॉर्मेंस से धमाल मचा कर रख दिया और यहाँ तक कि
उन्होंने आईपीएल का सबसे तेज अर्धशतक भी जड़ा और आईपीएल के इसी परफॉर्मेंस को देखते हुए अब उनको इंटरनेशनल टीम में भी चुन लिया गया। और अभी हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाकर तो इतिहास ही रच दिया। और इसी के साथ उन्होंने ये साबित कर दिया कि यदि आपका हौसला बुलंद हो तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।